भगवद गीता की इस अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग का नाम दिया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने विश्वरूप दर्शन के माध्यम से उसका असली अर्थ बताएंगे। अध्याय की शुरू में अर्जुन कहते हैं, है कमन्यन, आप अभी तक मुझे जो कुछ भी बताए उससे मेरा समस्त मोह कट चुके हैं। है परमेश्वर, आपके इस रूप के अतिरिक्त जिस रूप से आप पूरे विश्व में समाये रहते हो, कृपया मुझे उसका दर्शन कराइए। उत्तर में भगवान कहते हैं, है अर्जुन, देख मेरी उस रूप को जहाँ बसु, रुद्र, आदित्य और अश्विनी कुमार रहते हैं। तू वर्तमान और भविष्य को भी देख पाएगा, लेकिन इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन आँखों से तू नहीं देख पाएगा। इसके पश्चात महायोगेश्वर श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्यिक रूप दिखाया। भगवान की इस दिव्य रूप को देख अर्जुन को लग रहा था मानो आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं, जहां भगवान के अनगिनत आंखें, हस्त, चरण, अस्त्र और अलंकार से सुशोभित रूप था। अनंत ब्रह्मांड के हर कोने में अर्जुन भगवान को देख पा रहे थे। भगवान के इस रूप से अत्यंत रोमांचित होकर अर्जुन कहते हैं, है विश्वेश्वर, आपकी इस रूप से समस्त देवता और स्वयं में भयभीत हो रहा हूँ। ना मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना मानसिक संतुलन को संभाल पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह समस्त जीव आपकी कालरूपी अग्नि में पतंगों के भांति प्रवेश कर रहे हैं। है देवेश, आप कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमन करता हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं यहाँ काल के रूप में सबका विनाश करने आया हूँ। तुम और पांडवों के अलावा सब के सब मारे जाएंगे, तो फिर उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करने के लिए तैयार हो जाओ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त बनोगे। सब कुछ देख और सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनको आदि सनातन ईश्वर के रूप से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से निवेदन भी करते हैं कि अपने मधुर रूप में पुनः प्रकट हो जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न होकर मेरा इस रूप को दिखाया, इससे पहले किसी ने भी नहीं देखे। दान, पुण्य, कड़ी तपस्या, कोई भी साधन से मैं इस रूप का दर्शन नहीं कराता हूँ। तुम्हारे भय के कारण मैं अब इसे समेट लेता हूँ। इसके पश्चात भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराए और फिर कृष्ण रूप में वापस प्रकट होकर अर्जुन को शांत किया। भगवान फिर बोले, अर्जुन, मेरा इस कृष्ण रूप का दर्शन सबको आसानी से नहीं मिलता, देवतागण भी तरसते हैं इसे देखने के लिए, पर मेरे कृपा के बिना यह संभव नहीं है। एकमात्र अनन्य भक्ति से मैं मेरी मधुर रूप में भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। अपने सेवा समर्पण भाव से मुझे चाहने वाले मनुष्य भी मेरा दर्शन लाभ कर सकते हैं, ऐसा कहकर भगवान अपने वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कर देना। ऐसा और भी भक्तिमय कार्यक्रम आगे देखने के लिए हमारे चैनल भक्तिपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। हरे कृष्ण।